हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अभी जस्ट हम सो करके उठ रहे हैं और अभी फिलहाल बज रहा है 6:12 हो रहा है। तो चलते हैं बाहर, देखते हैं कैसा मौसम किया है। वैसे ठंडा तो लग रहा है और बाहर तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा किया होगा, तो देखते हैं कैसा मौसम है आज का। अभी का मौसम देखिए कुछ इस प्रकार है, सूर्योदय भी नहीं हुआ है और हल्का हल्का सुबह हुआ है और कुछ कुछ अंधेरा भी दिख रहा है। और दूर देखिए वहाँ पर कल के पास बच्चा सब शायद आगिन लगाया हुआ है, तो चलते हैं उस सब के पास आगिन तापने के लिए। तो गाइस, अभी फिलहाल हम फील्ड में आए हैं तो यहाँ पर बच्चा सब आग लगाया हुआ है, तो थोड़ा बहुत आग तापते हैं। फिलहाल हमको फील्ड में कुत्ता का बच्चा मिला जिसको हम उठा लिए हैं गोद में, और ये है उसकी माँ और अपने बच्चे को छीन रही है। इसको लग रहा है हम कहीं लेकर के जाएंगे, तो कहीं लेके जाने वाले नहीं। लो लो अपने बच्चों को ले लो। और भी कुत्ता का बच्चा है, बस वो भाग गया, यही एगो आ गया है मेरे पास, तो इसी को हम खिला रहे थे। देखिए इसकी माँ मेरे पीछे कैसे कर रही है। फिलहाल घर आ गए नाश्ता करने के लिए, तो नाश्ता में रोटी और भुजिया आलू का। तो गाइस, अभी का मौसम तो एकदम मस्त हो गया है, धूप खिल गया है, तो अभी फिलहाल चल रहे हैं नहाने के लिए। और देखिए एकदम धूप खिला है, मस्त मौसम किया है एकदम। फटाफट आते हैं नहा करके, और मम्मी फिलहाल अभी चावल धो रही है। तो फाइनली गाइस घर आ गए नहा करके, बहुत देर लग गया आज नहाने में क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा अच्छा किया था ना, तो हम धूप में ही बैठ गए थे 2 फ्रेंड सब के साथ में, इसीलिए लेट लग गया। तो घर तो आ गया और शर्ट उठ पहन लिए, और फिलहाल देखिए मम्मी क्या कर रही है घर में। मम्मी फिलहाल मिक्सी में ये अरवा चावल को पीसने की तैयारी करिए, थोड़ा सा पीस लिए और अभी पीस रही है। देखिए मिक्सी ऑन कर ली है, पता नहीं आज क्या बनने वाला है शाम में। और खाना भी निकाल दिए मम्मी, खाना में है दाल चावल और सब्जी। तो गाइस खाना तो हो गया, और आप लोग को भी लग रहा होगा कि मम्मी मॉर्निंग में चावल क्यों धो रही थी और उसके बाद चावल मिक्सी में क्यों पीसी। तो गाइस आज शाम को बगिया बनने वाला है, इसीलिए मम्मी उसकी तैयारी कर रही थी। तो आप लोग को शाम में देखने को मिलेगा, तो लगातार ब्लॉग पर बने रहिएगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं फील्ड में, थोड़ा घूर के आते हैं फील्ड तरफ से। तो गाइस फील्ड में आने के बाद हमको एक फ्रेंड का बाइक मिला जो कि बहुत दिन के बाद, और हम कहे दो थोड़ा सा बाइक हम भी चलाते हैं, बहुत दिन के बाद हमको चलाने का मन कर रहा है, तो उसी का बाइक हम ले ले चलाने के लिए। गाड़ी है हीरो होंडा, तो फिलहाल ये फील्ड में ही चलाते हैं। और यही फील्ड में हम मॉर्निंग टाइम में भी आए थे जो आप लोग को दिखाए थे, और यही फील्ड में हम लोग नहाने के लिए भी आते हैं। ये इसी फील्ड में कल भी है, और बच्चा सब यहाँ पर क्रिकेट विकेट खेलता है जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं। सब कोई क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, मतलब जिसको जो इच्छा वो खेल रहा है। और हम लोग भी यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, बट हम नहीं खेलते, हमारे फ्रेंड्स। अब देखिए क्रिकेट हमारे फ्रेंड खेल रहा है, तो चलिए पूरे एक राउंड चला लिए। और उसका गाड़ी भी दे देते हैं क्योंकि पेट्रोल भी महंगा है ना, किसी को कितना मतलब क्या ही बोले। तो फाइनली गाइस फील्ड से तो हम घर आ गए, और अभी फिलहाल हम ये जैकेट को चेंज करके मतलब उल्टा साइड से भी बाइक चला रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा हमको अच्छा लगा। फिर उसके बाद लेकिन इतना मतलब ना क्या होता है, गर्म नहीं लगता, ठंडा लगता है, तो फिर से सीधे कर लिए। और शाम भी हो गया है, मम्मी बगिया बनाना स्टार्ट कर दिए, तो आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइस अभी फ़िलहाल शाम हो गया है और मम्मी ये बगिया बनाना स्टार्ट कर दी है, और ये रहा गर्म पानी और ये रहा दाल, इसी का ना सिर्फ ये मीठा वाला भी ना, मीठा वाला नहीं है ना, मतलब ये दाल वाला है, तीखा वाला बन रहा है बगिया। और ये पानी हीट हो जाएगा, और देखिए ये सारे आटा को मम्मी इसमें दाल भर लेगी, ये हो जाएगा ज़्यादा, फिर इसको इसको बॉईल करेगी, फिर इसके बाद बन जाएगा ना। पूरे चावल को तो मम्मी गूंथ ली है और ये बगिया बनाना स्टार्ट कर दी, इसमें देखिए दाल डाल दी है और इसको मोड़ मोड़ करके बना रही। चलिए पानी तो बॉईल हो गया, चलिए पानी गर्म तो हो गया है और मम्मी इसमें बगिया को डाल रही है बॉईल होने के लिए। और कुछ आटा बचा हुआ है इसको भी बना लेगी, अब ये सब काफ़ी ज़्यादा हो गया ना, तो सेकंड टाइम में उसको बनाएगी। सब डालते सब इसको भी डाल देंगे, घर बढ़िया लकड़ी देते, ठीक हम लकड़ी लगा देते हैं। हाँ 4-5 को बचा है, थोड़ा सा बचा है दाल। कितना देर लगेगा इसको बॉईल होने मम्मी? देखो ना, आधा घंटा लग जाएगा, लगभग आधा घंटा के बाद ही हो जाएगा ना, कम में लगेगा। ये बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गया है। गाइस मम्मी फिलहाल ऊपर बिजी है, तो हम सांस दिखाने के लिए नीचे आ गए थे, शाम का टाइम भी हो गया था, तो कहें हम ही चल के दिखा लेते हैं। तो फाइनली गाइस बगिया बन करके रेडी हो गया है, और फिलहाल जस्ट हम इसको नीचे लाए हुए हैं, और देखिए अभी कितना ज़्यादा वाष्प है,
ये ठंडा होगा फिर इसके बाद हम लोग खाएंगे। ज़्यादा देर भी नहीं लगा बनने में, बोले थे ना आधा घंटा, उससे पहले ही हो गया। तो गाइस अभी फिलहाल लाइन भी चला गया और हम ब्लॉग एंड भी नहीं किए हैं, तो गाइस फिलहाल हम ब्लॉग को एंड करते हैं और सबसे पहले हम क्या बोलते हैं बगिया बनाए उसको खा लेते हैं, फिर इसके बाद एंड करते हैं। तो बगिया बनाए वो कुछ देर हो गया, सोचे ठंडा होगा फिर इसके बाद खाएंगे, तो खाने के लिए हम लोग वेट करने लगे जिसके कारण लाइन चला गया है। तो देखिए ना कैसे एकदम सट गया है ये। तो फटाफट बगिया को खाते हैं और गाइस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर हमको चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट में। जय हिंद। लाइन नहीं है क्या करें, ऐसे ही खाते हैं फिर भी। काफी टेस्टी बना है। वैसे आप लोग बगिया खाते हैं कमेंट करिएगा, या फिर न्यू देखे होंगे तो भी कमेंट करिएगा।